Hey guys, welcome back to my channel. कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। तो ये आ गई है एक और मैंगो की रेसिपी। तो है ना गाइस, ये है मैंगो लस्सी की रेसिपी। बहुत यमी है गाइस, जितना आपको देखने में यमी लग रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। यस, बिल्कुल आ रहा होगा। तो बनाइए अपने घर और ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को भी ज़रूर आप ये दीजिएगा। बहुत अच्छा है, बहुत यमी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो चलो देखते हैं मैंगो लस्सी की रेसिपी क्या है। ओके, बहुत इजी है, 2 मिनट में बन जाता है। तो गाइस, सबसे पहले मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमें एक मिक्सी जार की ज़रूरत पड़ेगी ब्लेंड करने के लिए। और यहाँ पर देखो ना, मैंने एक बड़ा सा बाउल भर के मैंगो कट कर लिए, रफली चॉप किए मैंने गाइस। ओके, और यहाँ पर मैंने अल्फाज मैंगो लिए। आप चाहो तो कोई भी मैंगो यूज़ कर सकते हो, बट अल्फाज का टेस्ट एंड खुशबू बहुत अच्छी होती है। काफ़ी मीठा मैंगो होते हैं ये, बहुत स्वीट मैंगो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं 4 से 5 बड़े चम्मच भर के मैं मैंगो के जो पीस है ना वो डाल दूंगी इस तरीके से मिक्सी में। देखिए मैंने डाल दिए, ठीक है, रफली चॉप किए गाइस, क्योंकि ब्लेंड ही तो करना है, आखिर में ब्लेंड होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और लास्ट में मैंने 2 बड़े चम्मच भर के शुगर डाल दिया है। और लस्सी बना रहे हैं तो दही तो चाहिए ही चाहिए। तो दही ये देखिए मैंने घर पर रेडी किया है। अगर आपको भी देखना है कि दही जमाने का परफेक्ट तरीका क्या है, आपका भी दही बिल्कुल आइसक्रीम जैसा जमकर रेडी होगा। देखिए मैं दही निकाल रही हूँ, आप देखते रह जाओगे कि देखिए बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लग रहा है गाइस, बट आइसक्रीम नहीं है। तो आपको देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि दही कैसे जमाते, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बता दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के दही डाल दिया है। ओके, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा इलायची, इलायची के दाने डालें ताकि ये क्रश होगी ना तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ओके, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था, 2 से 3 चम्मच पानी डाला था। और शुगर डिपेंड करता है आपका आम कितना मीठा है या कितना खट्टा है। ओके, तो ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है अच्छे से और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है गाइस मैंगो लस्सी। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से क्रश हुआ है, ब्लेंड हुआ है हमारी मैंगो लस्सी। तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं एक ग्लास में। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से डाल ले रही हूँ एक बड़े से ग्लास में। मैंने एक बड़ा ग्लास मैंगो लस्सी बनाया था, उसके लिए एक मीडियम साइज़ का मैंगो काफ़ी है गाइस। तो इसको और अच्छा डेकोरेट करने के लिए मैंने एक चेरी डाल दी है। देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है हमारी मैंगो लस्सी, बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है गाइस। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और हाँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो कैसा लगा गाइस आपको आज का मेरा ये वीडियो, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, कमेंट करना, ट्राई ज़रूर करना और बताना आपको कैसी लगी मैंगो लस्सी। ओके, तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए और अपने फैमिली को मैंगो लस्सी बनाकर ज़रूर पिलाइएगा, इस बहुत खुश होंगे सभी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज़।